ठीक है, अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जैसा कि नाम ही इसका सजेस्ट करता है कि जो आउटलाइन से पहले हम अटैच करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हम कौन का प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, हम इनिशियल डॉट डाल रहे थे। ठीक है, जैसे वर्ड था कॉमन, जी कॉम, सर, कॉम के लिए हमने डॉट डाला, फिर एन का स्ट्रोक, ऐसे डैश बन गया ये वर्ड कॉमन। यहाँ पे कॉम एज अ प्रीफिक्स यूज किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है सफिक्स। ठीक है, जी सफिक्स सर, या इसको हम टर्मिनेशन भी बोलते हैं। जी सर, ठीक है, तो टर्मिनेशन इसको बोलते हैं, तो इसका नाम सजेस्ट आपको करता है कि ये हम आउटलाइन के एंडिंग में लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स हम इनिशियली जी लगाते थे, सफिक्स अब हम आउटलाइन की एंडिंग में लगाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सफिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम शॉर्ट हैंड में डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहला बहुत ही कॉमन सफिक्स है इंग, जो आपने आईएनजी का स्ट्रोक पढ़ा है। ठीक है, इंग की जो साउंड होती है, बहुत ही कॉमन सफिक्स आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसको हम शॉर्ट हैंड में बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइनल डॉट। जी ठीक सर, है, क्या मतलब है फाइनल डॉट का? सपोज लास्ट करो पे। वर्ड है, हाँ लास्ट में, सपोज करो वर्ड है फाइंड। फाइंड हम कैसे लिखते हैं? एफ और एन हुक हमने हाफ कर दिया, बन गया फाइंड। अब अगर आपको वर्ड बनाना हो फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग, फाइंडिंग में हम क्या करेंगे? एफ और एन हुक आपने बनाया, बस इसके आखिरी में डॉट लगा दो। जी सर, यहाँ पे डॉट प्रॉपरली बनाने, ये आ गया ऐसे डॉट। ठीक है, फाइनल में आप डॉट अटैच करवा दो तो वो इंग का साउंड देता है। जैसे सपोज करो वर्ड है रनिंग, रनिंग आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं, आर का स्ट्रोक, एन का हुक, यहाँ पे आप डॉट मार दो, रनिंग। जी ठीक है, वेनिंग्स लिखना हो, डब्ल्यू एन का हुक, डॉट फाइनल में। जी सर, ठीक है, तो इंग के लिए हम फाइनल डॉट लगा सकते हैं। ये था इंग। अब अगर इंग का प्लूरल हो, इंग्स, ठीक है, तो प्लूरल के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं? देखो, सपोज करो वर्ड है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम कैसे बनाएंगे? बिल्डिंग हम बी और एल हाफ कर देंगे, बी के साथ एल हुक, पूरी आउटलाइन को हाफ करके फाइनल में डॉट बना देंगे। ये बन गया जी सर, बिल्डिंग। अब अगर आपको वर्ड बनाना है बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स हम कैसे बनाएंगे? उसपे बिल्ड, हम सर और डॉट डेज देते हैं। बिल्कुल सही, हम डॉट की जगह डैश अटैच करवाएंगे। ठीक है, तो ये आया बिल्डिंग, ये आया बिल्डिंग्स। जी सर, वैसे ही अलग अलग एग्जांपल। मतलब वैसे ही ये याद रखना कि आईएनजी आ गया तो लाइट डार देंगे, अगर आईएनजीएस आ गया तो वो डे देंगे आखिर पे। बिल्कुल, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लो, जैसे है प्लॉटिंग्स, अगेन प्लॉटिंग्स भी आप पी एल हाफ कर दो और फाइनल में, यहाँ पर भी आप वॉवल इंडिकेट कर सकते हो, फर्स्ट प्लेस पे है भी डैश प्लॉटिंग्स। इसी तरीके से वाइंडिंग्स, डब्ल्यू एन, डब्ल्यू एन हाफ करके डैश आप अटैच करवा दो, वाइंडिंग्स। ठीक, जी अब देखो, जरूरी नहीं है कि हम हर कहीं पर इंग एज अ सफिक्स यूज करेंगे, एज अ डॉट सफिक्स यूज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कैसा वर्ड है, कैसी आउटलाइन है। ठीक है, जैसे सपोज करो वर्ड है डिजर्विंग, तो डिजर्विंग हम कैसे लिख सकते हैं? डी का स्ट्रोक, सर्कल, अपवर्ड आर, वी हुक, और फाइनल में आपने डॉट लगा दिया, बन गया डिजर्विंग।
है। जी सर, लेकिन अब अगर वर्ड हो डिजर्विंगली, डिजर्विंगली मतलब इंक के बाद ली भी आपको बनाना है, एल का स्ट्रोक भी बनाना है, तो आप उस सर डॉट के एक बाद चीज ली नहीं बना सर, सकते। सर जो हमने डिजर्विंग बनाया ना सर, अगर हम हाँ डी एफ आर बनाएंगे ना आर वी, और वहीं पे सर मतलब डॉट, क्या वैसे नहीं लिख सकते सर? मतलब हाँ आप डॉट तो लिख सकते हो, आपके कहने का मतलब है वी की जगह मैं स्ट्रोक बना दूं, हुक की जगह, सर हाँ सर, हाँ सर, हम अगर वहां स्ट्रोक देंगे फिर डॉट देंगे लास्ट पे। बिल्कुल कर सकते हो ऐसा, बट स्ट्रोक जी देना सर, ही क्यों, आउटलाइन लंबी हो जाएगी। हम सर हुक्स तभी तो हम यूज करते हैं ताकि आउटलाइन शॉर्ट रहे, ठीक जी सर, है ना। तो डिजर्विंगली अगर बनाना हो तो डिजर्विंगली में आपको क्या करना पड़ेगा, डी सर्कल अपवर्ड आर, अब यहाँ पे वी, यहाँ पे वी का मैंने स्ट्रोक क्यों लिया है, उसकी वजह है क्योंकि आईएनजी बनाना है मेरे को और क्योंकि एल, जी सर ठीक है, डिजर्विंगली, क्योंकि हुक के बाद मैं एल का फिर बना नहीं पाता, जी सर तो ये आउटलाइन पे डिपेंड करता है, कहीं पर आप एज अ सफिक्स यूज करते हैं डॉट सफिक्स, और कहीं पर आपको पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ता है। अगेन एक और एग्जांपल है, सपोज करो वर्ड है एडमायरिंग, एडमायरिंग आप आसान से बना सकते हो, डी एम डाउनवर्ड आर और डॉट एड जी सर, मायरिंग, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको बनाना है एडमायरिंगली, तो देखो इसमें कैसे हम मॉडिफिकेशन करेंगे स्ट्रोक्स में, डी एम, देखो यहाँ पे अपवर्ड आर लूंगा मैं, क्योंकि अपवर्ड आर के बाद एन जी बनाना ये फेवरेबल कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे लिए, फिर डाउनवर्ड एल, एड माई रिंग, ठीक। जी सर तो अभी तक क्लियर है इंग और इंक्स का आपको, जी सर जी सर अब आगे जो मैं सफिक्स बताऊंगा वो बहुत ध्यान से आप देना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। जी देखो कुछ सेट ऑफ साउंड्स है, एल सर ई टी, फिर है इली टी, उसके बाद है एरी टी, और ई टी, और लास्ट में एल टी। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं एल ई टी, इली टी, एरी टी, ओर ई टी और एल टी, ठीक है। ये सेट ऑफ साउंड्स हैं, ये जी जो सेट सर ऑफ साउंड्स मैंने आपको बताया है ये बहुत बारी इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ सफिक्स साउंड आती है, एज अ टर्मिनेशन साउंड आती है। देखो जैसे पहला यहाँ पे है साउंड एल ई टी, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है फॉर्मैलिटी, ठीक है, फॉर्मैलिटी। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कैसे इसको, इस साउंड को एडजस्ट करेंगे। रूल ये है कि आउटलाइन में किसी भी वर्ड में जिस पर्टिकुलर स्ट्रोक पर एलिटी का साउंड आपको सुनाई देगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रोक को आपने डिसजॉइंट करना है, समझ जी आया सर आपको, जी सर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है फॉर्मैलिटी, तो इसको देखो कैसे मैं लिखूंगा शॉर्ट हैंड में, फॉर्मैलिटी को हम लिख सकते हैं एफ, एफ का स्ट्रोक फिर डाउनवर्ड आर, फॉर बना दिया मैंने, अब जी सर मैलिटी मुझे बनाना है ना, मैलिटी, मैलिटी में क्या हो रहा है, एम के स्ट्रोक के ऊपर एलिटी का साउंड आ रहा है, तो मैं एम के स्ट्रोक को यहां पर डिसजॉइंट कर दूंगा, ठीक है ना, जी सर जी सर क्योंकि एम के स्ट्रोक पर एलिटी का साउंड आ रहा है इसलिए एम को मैंने डिसजॉइंट कर दिया, यही रूल है, ठीक है। तरीके से सपोज करो वर्ड है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी, इस बार अगर आप नोटिस करेंगे इलिटी का साउंड बी पर आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एप्लीके, एप्लीके बिलिटी के लिए कर दो बी को डिसजॉइंट, ठीक है, ये बन गया एप्लीके बिलिटी, दैट मींस इलिटी का साउंड आपने बी की स्ट्रोक पर एडजस्ट करवा दिया डिसजॉइंट करके, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है बारबेरिटी, बारबेरिटी में आप देखेंगे एरिटी का साउंड
बी की स्ट्रोक पर आ रहा है। तो अगेन बारबेरिटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, बी एंड अपवर्ड आर, ये बन गया बार बैरिटी, क्योंकि बी की स्ट्रोक पर एरिटी का साउंड है तो बी को डिसजॉइंट मार दो, बार बैरिटी। सिमिलरली ऑरिटी का अब साउंड, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो वर्ड है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में देखो क्या हो रहा है, ऑरिटी का साउंड जे की स्ट्रोक पर आ रहा है, तो मेजॉरिटी को हम लिख सकते हैं मैजॉरिटी, ठीक है, क्योंकि ऑरिटी का साउंड जे पर आ रहा था, मैंने जे डिसजॉइंट मार दिया। ठीक, अच्छे समझ आ हाँ रही जी है। सर, जी सर, इसी तरीके से लास्ट जो साउंड है वो है एल टी। एल टी फॉर एग्जाम्पल वर्ड है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी को हम कैसे लिखेंगे, देखो एल टी का साउंड वी पर आ रहा है ना, नॉवेल्टी, तो नॉवेल नॉवेल्टी में एक्चुअली। लिख, हाँ नॉवेल्टी में लिख सकता हूँ, ये नॉ मैंने बनाया, तो वेल्टी के लिए वी को डिसजॉइंट, क्योंकि एल टी का साउंड वी पर आ रहा है। जी सर, ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेलिटी, एप्लीकेबिलिटी, बारबेरिटी, मेजॉरिटी और एल टी, ये पांचों साउंड्स मैंने डिसजॉइंट करके एडजस्ट करवा दी, यही जी सर, रूल है इस सफिक्स का। तो क्लियर है ये? जी सर, जी सर, अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है लॉजिकल या लॉजिकली, इसकी साउंड, ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में लॉजिकल और लॉजिकली भी जो वर्ड है ये भी एज अ कॉमन सफिक्स यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है साइकोलॉजिकली, पैथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल, ठीक है ना। तो जी लॉजिकल के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल, आपको जे का स्ट्रोक डिसजॉइंट मारना होता है, बहुत आसान है। सपोज करो वर्ड है माइथोलॉजिकल, तो एम और थ, माइथो सर, लॉजिकल के लिए सिंपल जे को डिसजॉइंट मार दो, ठीक है। जी सर, यहां पर जो हमने जे डिसजॉइंट किया, आप इसको लॉजिकल के लिए भी यूज कर सकते हो, लॉजिकली के लिए भी यूज कर सकते हो, दैट मींस कि ये वर्ड बन गया माइथोलॉजिकल और इवन माइथोलॉजिकली। सिमिलरली सपोज करो वर्ड है साइकोलॉजिकली, सर्कल के साइको लॉजिकल, जे डिसजॉइंट, इजी। जी सर, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सफिक्स साउंड है वो है मेंट, एम ई जी सर, एन टी, एंड मेंट। देखो हाविंग प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा ही है, आपको मालूम ही होगा कि हम मेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल एम और एन हुक, अगर आप हाफ कर दें, जी सर, है ना। जय जी सपोज सर, करो एंड वर्ड और होता है, हाँ जय, जैसे वर्ड है अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट आप इजीली बना सकते हैं जी आर जी सर, और एम और एन और हाफ, एन अग्रीमेंट, हाफ, ठीक। जी सर, अब देखो यहां पे बात यह है कि आप एम और एन को जो आप हाफ कर रहे हो, इसकी जी जगह सर, आप एन, एन का जो स्ट्रोक है उसको भी अगर हम हाफ कर दें तो भी हम मेंट की साउंड को डिनोट कर सकते हैं, ठीक जी है। सर, एन के स्ट्रोक को अगर हम हाफ कर दें वो भी हम मेंट की स्ट्रोक साउंड के लिए यूज कर सकते हैं। देखो कुछ वर्ड्स में क्या होता है कि मेंट लिखना ना थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है, राइटिंग में फ्लो नहीं रहता, वहां पर हम अपना काम आसान बनाने के लिए एन को हाफ करके मेंट का साउंड यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है रिफाइनमेंट। देखो रिफाइनमेंट में आप क्या कर सकते हो, अपवर्ड आर, एफ का स्ट्रोक, एन हुक, आपने रिफाइन बनाया। अब देखो यहां पे अगर मैं मेंट के लिए ऐसा करूं, कर तो सकता हूं लेकिन राइटिंग में थोड़ा फ्लो ब्रेक होगा, तो अपना काम आसान बनाने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन हमने लिखा ना, यहीं से आप एन को हाफ कर दो, ये बन गया रिफाइनमेंट। दैट मींस कि जो जी हाफ एन है इसने मेंट का साउंड दे दिया हमें, ठीक है। सर,
जैसे सपोज करो वर्ड है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट भी आप ऐसे लिख सकते हो, एम का स्ट्रोक पी आर सर्कल, इम्प्रिजन बन गया, मेंट के लिए यहीं से एन को हाफ कर दो, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इजी होगी आउटलाइन, राइटिंग में फ्लो भी रहा। जी सर ठीक है, एक और एग्जांपल जी लेते हैं, सर सपोज का वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में देखो हम क्या कर सकते हैं, कम के लिए आप जानते हैं प्रीफिक्स है डॉट कम जी सर एंस, कमेंस बन गया, यहीं से एन को हाफ कर दो, जी सर कमेंसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हाफ एन को आप मेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर नेक्स्ट नेक्स्ट है सफिक्स साउंड मेंटल, मेंटली या मेंटैलिटी। ठीक है, देखो इतना आपको मालूम है कि एम और एन को जब हाफ करते तो वो मेंट का साउंड देता है। ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। अब जो सफिक्स है वो ये कह रहा है कि अगर आप इस एम और एन को हाफ करो लेकिन डिसजॉइंटेड रखो, तब वो मेंटल, मेंटली या मेंटैलिटी का साउंड देता है। आपको ऐसे समझाता हूं मैं, सपोज करो वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे बनाएंगे, इन बिफोर एसटीआर कैसे करते हैं, हम एक कंफर्टेबल एंगल पे हुक बनाते हैं, जी इंस्ट्रूमेंट। ठीक, सर इंस्ट्रूमेंट। अब अगर सपोज करो आपको वर्ड बनाना है इंस्ट्रूमेंटल, तो इंस्ट्रूमेंटल के लिए हम क्या करेंगे, इन बिफोर एसटीआर, ये आपने इंस्ट्रू बनाया, मेंटल के लिए आप एम और एन को डिसजॉइंट कर देंगे, हाफ करके डिसजॉइंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटली और इवन इंस्ट्रूमेंटैलिटी आपने बना दिया एम और एन हाफ करके, डिसजॉइंट करके। जी ठीक है, अगर वर्ड आपको सर लिखना हो फंडामेंटल, तो फंडामेंटल भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एन फंड मेंटल। यार ये थोड़ा राइटिंग अच्छा, चलो मैं बिना वॉवल के लिख देता हूँ, फंडामेंटल। ठीक है, ये बन गया फंडामेंटल। ठीक है, डिजॉइंट, डिजॉइंटेड एम एन, मेंटल, मेंटली और मेंटेलिटी का साउंड देता है। क्लियर है ये? जी सर अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो है शिप, शिप की साउंड। ये भी आपको मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज में काफी कॉमन सफिक्स होता है, जैसे वर्ड हो लीडरशिप, तो बहुत इजी है इसको डिनोट करना। लीडरशिप हम कैसे लिखेंगे, ये आपने एल बनाया फिर डी आर बन गया जी लीडर। सर शिप के लिए जी आप क्या सर करेंगे, सिंपल श की स्ट्रोक को डिसजॉइंट मार दो, जी सर लीडरशिप। सपोज करो वर्ड है सिटीजनशिप, सर्कल टी सर्कल एन, सिटीजन। शिप के लिए अगेन श डिसजॉइंट। सिमिलरली वर्ड अगर है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हम कैसे लिखेंगे, सर्कल के लर के लिए हम क्या करते हैं, एल को डार्क करते हैं, स्कॉलर शिप के लिए श्योर डिसजॉइंट। क्लियर? इजी है ये, सर सर फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप ऐसे बना लो, एफ आर। देखो फ्रेंड अगर आप चाहो, यहां पे बुक में तो इसने क्या कहते हैं ऑल्टरनेट करके दिया है, जी ठीक है सर ना, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप अगर चाहो तो, क्योंकि इसमें खास कोई जरूरत है नहीं, जी सर अल्टरनेट करने की खास कोई जरूरत है नहीं। तो अगर फ्रेंड, फ्रेंडशिप में आप ऐसे बनाएंगे तब आप ऐसे ही बना लो, जी एफ आर एन हुक हाफ करके, और शिप के लिए डिसजॉइंट एस एच। सर ठीक है, अब अगर आप अल्टरनेट यूज करना चाहते हैं तब एफ आर फ्रेंड शिप आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुक में जी ऐसे सर बताया, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा शिप के लिए आप डिसजॉइंट ही रखो, क्योंकि
यार ये राइट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा जल्दी गैस आप कर सकते हो अगर आप डिसजॉइंटेड ही रखो, जी सर। ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट सफिक्स क्या है यहाँ पे, फुलनेस और लेसनेस, ठीक है। फुलनेस और लेसनेस, इस सफिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये भी इजी है। देखो सपोज करो वर्ड है होपफुलनेस, तो होपफुलनेस में हम क्या करेंगे, एच का स्ट्रोक पी का स्ट्रोक, ये आपने होप बनाया, अब आपको फुलनेस बनाना है, इजी है। एफ का स्ट्रोक सर्कल डिसजॉइंट कर दो, ये फुलनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बन गया होप फुलनेस, ठीक है। तो फुलनेस के लिए हम क्या करते हैं, एफ और एस को डिसजॉइंट कर देते हैं। सिमिलरली जी सर। लेसनेस के लिए हम एल और एस को डिसजॉइंट करते हैं। अगर ये वर्ड होता होपलेसनेस, तो एच और पी होप, लेसनेस के लिए एल और एस डिसजॉइंट। क्लियर? जी सर। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए? जी सर। जी सर। ठीक। अब हाँ, अब आप एक्सरसाइज 108 के वर्ड्स अटेम्प्ट करो, कहीं पर जी कोई सर। डाउट लगे, डिफिकल्टी लगे, मेरे से पूछना, जी ठीक ठीक है। है। ठीक है। और खुद भी थोड़ा बहुत इसकी ना थ्योरी पढ़ना, उससे क्या है, तो थोड़ा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। जी 108 के आप वर्ड्स अटेम्प्ट कर लो।